हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस्चर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल पेपर 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 तक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बच्चों, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए आपका सही आ रहा है या गलत। उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आगे कंटिन्यू कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द एच सी एफ ऑफ 108 एंड 396 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 17m प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बेटा, अगर इन दोनों के एच सी एफ को हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस मतलब इसके इक्वल रख सकते हैं, 108 को क्या लिखेंगे, 108 के हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकालने होंगे, 2 से 54, 2 से 27, यानी कि बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 396 को क्या लिखेंगे, 2 से 198 और 2 से 99, है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर और 99 को 9 × 11, यानी कि ये, चलिए बेटा ये लिख सकते हैं इसे हम। तो इनका जो एच सी एफ आएगा, वो एच सी एफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर लेते हैं एच सी एफ में सिर्फ, और वो भी लोएस्ट पावर, तो दोनों में 2 की पावर 2 सेम आ रही है, दोनों में 3 की पावर 2 कम है, मतलब लोएस्ट दोनों में 3 की पावर 2 है ना, तो ये लेंगे बेटा ये 49, यानी कि ये आ गया 36। तो बच्चों इसका एच सी एफ आ गया 36। अब वो कह रहा है इस एच सी एफ को इसके इक्वल रखना है, इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा ये इधर जाके 34 हो जाएगा, 2 इधर जाके माइनस, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। बच्चों इसका ऑप्शन था बी, बहुत ही सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 270 एंड 405। बेटा इन चारों में से वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, पैसिव वॉइस है, जो खुद डिविजिबल होगा इनसे, मतलब मुझे इन दोनों का क्या ले लेना चाहिए, जो है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि वो जो नंबर है ना वो इनका मल्टीपल है दोनों का, तभी तो इनसे डिवाइड हो रहा है, तो इनका एलसीएम लेके मुझे पता चलेगा 270 को क्या लिख सकते हैं, 2 से कितना जाएगा 135, और 135 को 3 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, सही है ना, 135, 3 से 45, 3 से फिर 15, 3 से फिर 5, यानी कि 3 की पावर 3 और 1 5। ठीक, चलो 405 को क्या लिख सकते हैं, बेटा इसे 2 से तो कर नहीं सकते, 5 से ही करेंगे सीधे, 5 से जाएगा 81 और 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4, ये लो। ऐसे करके इसे आप मन में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा। अब क्या LCM निकालना है, LCM में सारे फैक्टर्स लेते हैं विद द हाईएस्ट पावर, 2 अकेला है, 1 ले लीजिए, 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 4 बड़ी है, 5 दोनों में बिल्कुल बराबर है, 5 की पावर 1, ये आ गया बेटा 2 × 81 × 5, यानी कि हो गया 810, मतलब बच्चों सी ऑप्शन, 810 वो नंबर होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर 27 and 162। बेटा दो नंबर हैं जिनका एच सी एफ 27 है, एल सी एम 162 है। इफ वन नंबर इज 81, अगर एक नंबर 81 है तो दूसरा क्या होगा, आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एल सी एम इंटू एच सी एफ के इक्वल होता है, मतलब उन्हीं नंबर के एल सी एम और एच सी एफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बेटा एक नंबर आपको 81 दे रखा है, दूसरे को आप x मान लीजिए, एच सी एफ और एल सी एम कितना 27 और 162। बच्चों ये कट गया 3 times और 3 से ये कट गया 5, 4, बेटा इसका आंसर आएगा सी 54। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर में आराम से आ सकता है और सिंपल भी बहुत है ये। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोल रहा है आपसे, इफ द इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7 देन x इज, बेटा x की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप इसे, एलिमिनेशन लगा लेंगे। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड। बच्चों x की वैल्यू निकालनी है तो y को सेम कर लीजिए ताकि y सीधा ख़त्म कट जाए। तो y के निकालने के लिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी 12x 12y और 84 हूँ, और नीचे वाली ऐसी रहेगी। बेटा माइनस 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 साइन चेंज कर लिया, कट गया, कितना बचा 7x। बेटा ये कितना बचेगा 7 और ये आपका 7। बच्चों x की वैल्यू आ रही है 11, ये लीजिए ए ऑप्शन होगा इसका। है बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन लगाना था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं 3A और 4,1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो √10 है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बेटा मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बच्चों ए भी आपको डिस्टेंस दे रखी है √10, स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ तो इस पे से रूट हट जाएगा और स्क्वायरिंग करने की वजह से अब इस पे अंडर रूट नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर = 10। बेटा x2 - x1 4 - 3 का होल स्क्वायर y2 - y1 1 - a का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर इसे हम a - 1 लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम थी, कहने का मतलब ये है कि हम इसे y2 - y1 ऐसे कर लेते नो प्रॉब्लम, कैसे भी कर लीजिए बच्चों क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस में से किसे माइनस कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना कि x के कोऑर्डिनेट में से x का ही माइनस करना, कहने का मतलब ये नहीं कि आप x में से कहीं y को माइनस कर दो, ऐसा मत कर देना बस, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर चलने तो ऐसे ही, जब 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 बचेगा। बेटा जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 9 तो 3 होता है लेकिन प्लस माइनस के साथ आता है बच्चों, कहने का मतलब ऐसे आएगा ये प्लस माइनस √9 जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 - a प्लस माइनस 3 बचेगा। इस प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार पॉजिटिव लेना है 1 - a और एक बार 1 - a को -3 लेना है, ठीक है। तो बेटा माइनस ए उधर जाके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस, तो माइनस का 2 बचेगा और ये उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आके प्लस 4। बेटा 4 आ रहा है और -2, देखो जरा कहाँ है, ये रहा 4 और -2, दोनों वैल्यू मिल रही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन बढ़िया था। स्टूडेंट्स ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस में आपको डेली लाइव सेशन कराता हूँ, डेली शाम को 8:30 मैं लाइव कराता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी पर मेरी क्लास चलती है जहाँ पर बहुत बच्चे डेली कंपटीशन करते हैं, पोल करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, घंटे की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। हेलो मैम, देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा था आप मेरी फ्री क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी JEE ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। MoisSir10 आपको ये मेरा इनवाइटिंग कोड डालना है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, लैंग्वेज प्रेफर करेंगे किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, 6th to 12th कैटेगरी पर प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपको सारी क्लासेस दिखाई देने लग जाएंगी और आपसे पूछेगा अनलॉक फ्री प्लान, तो बेटा इसमें आपको MoisSir10 डालना है ताकि आपको ये सारी क्लासेस जो लाइव क्लास है फ्री स्पेशल क्लासेस सारी फ्री की फ्री आपको दिखाई दें। बच्चों इस तरीके कुछ इंटरफेस में सेल्फ स्टडी वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्री लाइव क्लास दिखाई देंगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग अपकमिंग कंप्लीटेड लाइव सब दिखाई देगा। इसी में बेटा एक फाइंड द बेस्ट कोर्सेज एंड बैचेस का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग जितने भी आपके बेस्ट कोर्सेज हैं बैचेज हैं वो आपको दिखेंगे। आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन है MoisSir10 रेफरल कोड के साथ 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप कभी भी पढ़ सकते हैं इन सारे बैचेज में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्री है, कोई सा भी आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्या कैसे कितना चल रहा है। रेज अ हैंड फीचर बहुत ही बढ़िया है बेटा, लाइव क्लास में जो भी प्लस के स्टूडेंट हैं वो लाइव क्लास में अपने एडुकेटर से बात कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव ऑडियो फेस टू फेस आपके एडुकेटर आपसे बात करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरी क्लियर कर सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है रेज अ हैंड का।
और आप बीच क्लास में आस्क का डाउट बेटा क्वेश्चन टैब में अपना डाउट भेज करके, और तब भी आप जो है क्लियर कर सकते हैं लाइव अपना डाउट। डाउट्स एंड सॉल्यूशन बिल्कुल आस्क का डाउट फीचर है 24x7 24 घंटे आपके लिए। आप इस पर जाएंगे, आस्क का डाउट पर क्लिक करके अपनी जो फोटो है वीडियो जो भी आपका डाउट है उसकी फोटो यहाँ पर सबमिट करेंगे। अपलोड करने के बाद व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाई देगा कि कैसे करना है। जो भी बच्चे प्लस का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके यहाँ देखेंगे ये प्लस का है ये आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन और मिलता है। ये पूरे के पूरे व्यू ऑल प्लान्स करके आप देख सकते हैं किसकी क्या फी है, लेकिन आपको रेफरल कोड जरूर याद रखना है MOHISSIR10, ठीक है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। चलिए बेटा, अब आप सोचेंगे सर अनअकैडमी के पेड फीचर्स क्या हैं, हमें क्यों अनअकैडमी लेनी चाहिए सब्सक्रिप्शन। आपने घर से कंफर्ट जोन में पढ़ी है, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस है, कितने भी कोर्सेज पढ़िए, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलरली चल रहे हैं, एग्जॉस्टिव पूरा कवरेज मिलेगा सिलेबस का, मेंटरशिप है, पीडीएफ की फॉर्म में मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, बैच कोर्सेज है, मतलब कितने भी बैचेस ज्वाइन करिए आपको, जितने भी बैचेस कंपटीशन के, फाउंडेशन के, सीबीए, जो भी आपको ज्वाइन करना है सारे ज्वाइन करिए, और वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं अनअकैडमी पेड फीचर्स, लेट्स क्रैक इट। बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने आप सभी को लिंक दे दिया है, जो भी मेरी अपकमिंग फ्री स्पेशल क्लासेस हैं आप उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उनका लिंक दिया हुआ है, और मैं वेट करूंगा आप सभी बच्चों का जो है मेरी स्पेशल क्लासेस में भी और प्लस पे भी, जो भी रेगुलर पढ़ना चाहते हो जल्दी जल्दी प्लस ले लीजिए मेरे रेफरल कोड के साथ, ताकि उन्हें 10% डिस्काउंट और मुझसे पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बेटा आपको दो पॉइंट्स दिए ए और बी, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, अगर ये इस पी पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो बताइए एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये पॉइंट जितना ए से डिस्टेंस पर है उतना ही बी से है। अब स्टूडेंट देखिए, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो अंडर रूट आता है दोनों में आएगा, तो अगर मैं पहले ही इसमें स्क्वायरिंग कर दूं तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो बेटा मैं एक काम करूंगा स्क्वायरिंग करूंगा, जिससे फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और पी बी इसमें भी ये लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम एक काम करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए दोनों में, है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन पहले पी ए के लिए देखेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, पी बी के लिए देखेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, लेकिन बेटा पहले से ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से ओपन कर दो होल स्क्वायर्स को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मेरे से गलती से 2y लिख गया है जबकि 4y लिखना है, 2ab का मतलब 2 2 4, और कहीं तो गलती नहीं है देख लेना एक बार, है ना, वैसे सब सही लिखा है। फिर भी बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बेटा माइनस का 4x, चलो एक काम करो इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x है ये इधर आके प्लस का 2x होगा, माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा, तो 2y ऑफ 4y 6y बनेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं बन रहा है, और तो कुछ नहीं बन रहा, नो। अब देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक काम करो, सबसे पहले तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा ये माइनस का 3y बनेगा, क्यों, 2 से डिवाइड किया तो 3, और ये माइनस उधर शिफ्ट हो गया इसीलिए। अब ऐसा कुछ मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा, ओके इसको इधर लेके आएंगे तो ऐसा बन जाएगा, माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y बन जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब इसे ढूंढो कहाँ बन रहा है, x प्लस 3y, x प्लस 3y, सी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो आंसर है रिलेशन है इनके बीच में वो सी ऑप्शन होगा, गॉट इट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7,
आपको बोल रखा है 37x + 41y = 70 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा बेटा? दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अब मुझे जब पता है कि उसने मुझसे x प्लस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई तो जब बनेगा जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, एक छोटा सा आइडिया मिल रहा है। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, 37 और 41 कितना, 78x, 78y और ये 156, सही है? 78 कॉमन बेटा कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 times, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सी ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल था, बस सॉल्व करना था बस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इफ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, अगर टेन ए कॉट बी के इक्वल है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? बेटा टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या मैं इस कॉट बी को टेन 90 - b लिख लूँ, चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टेन 90 - θ क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो टेन 90 - b कॉट बी होगा, गलती तो नहीं है? टेन से टेन कट गया, बचा a 90 - b, माइनस बी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी क्या आ गया, 90। इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन था b, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 cm एंड 7 cm। बेटा आपसे बोल रहा है एक सर्कल का डायमीटर क्या होगा, उस सर्कल का जिसका एरिया इक्वल है, जिसका एरिया इक्वल है किसके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल है, वो सर्कल जिनकी रेडियाई 24 और 7 है। बेटा इस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, आर वन आर टू मान लेते हैं रेडियस, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, बेटा आर वन कितनी है 24, 24 का स्क्वायर 7 576, डायरेक्टली लिख लो, आर टू कितनी है 7 का स्क्वायर 49, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो बच्चों आर आ गया 25। अगर रेडियस 25 है तो डायमीटर हो जाएगा 50 cm, क्योंकि डायमीटर पूछा है ना, वो आएगा 50 cm, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या था, बी, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये सैम्पल पेपर 5 का पार्ट नंबर 3 था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जो भी मैंने आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, लिंक वगैरह सारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।